विजयपुर सरपंच श्यामलाल शर्मा ने सैंथी चित्तौड़गढ़ स्थित बोकड़िया हॉस्पिटल का अवलोकन किया। इस अवसर पर बोकड़िया हॉस्पिटल के निदेशक गगन बोकड़िया ने बताया कि विजयपुर सरपंच श्यामलाल शर्मा ने एक्सरे विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, अन्य सुविधाओं को देखकर खुशी व्यक्त की। गगन बोकड़िया ने जानकारी दी कि अस्पताल द्वारा अभी निःशुल्क और रियायती दर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही आने वाले समय में शिविर लगाकर आसपास के गांव के मरीजों को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क व रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। गगन बोकड़िया ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर आरडी भटवा, आयुर्वेदिक डॉक्टर रमेश चंद्रवा, फिजियोथेरेपी विभाग में डॉक्टर अनुष्का सिंह राव सेवाएँ दे रहे हैं। इस अवसर पर सरपंच श्यामलाल शर्मा ने कहा कि बोकड़िया हॉस्पिटल द्वारा सैंथी सेगवा हाउसिंग बोर्ड व बोजुंदा निकट होने से यहां के निवासियों को चिकित्सा संबंधी अच्छी सुविधा मिलेगी। साथ ही बोकड़िया हॉस्पिटल के द्वारा रियायती दर पर मरीजों को भी सुविधा दी जा रही है व यहां पर आपातकालीन सुविधा उपलब्ध होना अपने आप में काबिले तारीफ है। उल्लेखनीय है कि बोकड़िया हॉस्पिटल का उद्देश्य जनता को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के साथ रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। बोकड़िया हॉस्पिटल निर्जा मोदी स्कूल के पास उदयपुर रोड सैंथी चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता छोटू कुमार चेचानी की रिपोर्ट।